राजधानी देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र में छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। गोली मारने वाले आरोपी और कोई नहीं, छात्रा का दोस्त ही है। हत्या के पीछे की वजह प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची है और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक छात्रा का नाम वंशिका बंसल था, जो सहजधारा रोड स्थित सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी कॉलेज से डी फार्मा कर रही थी। वंशिका फर्स्ट ईयर की छात्रा थी और हॉस्टल में रह रही थी। गुरुवार शाम को वो अपनी दोस्त के साथ किसी काम के लिए हॉस्टल से बाहर आई थी, तभी आरोपी छात्र ने तमंचे से उसे गोली मार दी। इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची, लेकिन उससे पहले ही वंशिका दम छोड़ चुकी थी। ये हो गया बिटिया को मरवा दिया कॉलेज वालों गोली, कोई चक्कर नहीं, गेट पे गोली मारी है। अब ये लड़का है कोई, इनके कॉलेज का ही है और ये कॉलेज वाले बिल्कुल चुप के साथ हैं। आदित्य नाम है उसका, आदित्य, आदित्य ना, कोई मैटर नहीं। बच्ची बाहर गई थी को संभाल लेने और गेट पर लड़के ने पीछे से गोली मार दी। मैडम आप बताओ, 4 बजे से मेरे को किसी ने फोन तक नहीं करा। पता चल रहा हम लोगों को। आप बताओ 4 बजे से जब केस है, अभी तो मुझे ये नहीं पता किस टाइम का केस है। कोई मैनेजमेंट का फोन नहीं, लड़की को गोली लगी, किसी का फोन नहीं। बाइडल को मैंने फोन करा, इन्हें मैंने फोन करा 3 बार। आप बताइए कि मैं कहां गलत हूं, इन लोगों की मिली भगत है या नहीं है। आप बताइए कि मर्डर है कॉलेज वाले भी, कॉलेज वाले जानकार है कॉलेज से ही। 3 बार बात हुई। कितने बजे? 1 मिनट, मैडम किसने करी? पूछो किसने करी, मैंने करी हूँ। मुझे पता चला, मैंने उनसे कॉल करी है कि मेरी बेटी के गोली लग गई, आप कहाँ हैं। ये इनके भरोसे लड़की छोड़ के गया था मैं, तो मैंने कहा बड़े भाई हो आप बिटिया को देखिए।